इवेंट्स एंड के सब्सक्राइबर के लिए अहम खबर ये है कि नजम सेठी की वजह से उनके साहबजादे अली सेठी का काफी नुकसान हो गया है जी नाजरीन नजम सेठी के आने की वजह से अली सेठी को एक पीसीबी से कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा था अब उनको नहीं मिलेगा क्योंकि इससे पहली मैनेजमेंट जिसके चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा थे उन्होंने ये फैसला किया था कि जो पी का तराना है क्योंकि हर साल नया तराना आता है तो नजम सेठी के साहबजादे अली सेठी जो है वो ये तराना गाएंगे और इस बार क्योंकि उनका काफी ये गाना वायरल हुआ है पसूरी और वो जो इंडिया में काफी वायरल हुआ है काफी शोहरत हासिल की है और उसके बाद से रमीज राजा की मैनेजमेंट ने ये फैसला किया था कि अली सेठी से ही इस बार जो है वो गाना गाया जाए और उनको ये रोल दिया जाए लेकिन अब नजम सेठी को मिलने के बाद अली सेठी के साथ जो तमाम मामला तय थे वो मुतल कर दिए गए हैं और नजम सेठी स्पेशल नजम सेठी के जो साहबजादे हैं अली सेठी वो स्पेशल तराने के लिए अमरीका से लाहौर आए थे लेकिन अब नजम सेठी ने यह फैसला किया है कि अली सेठी को वो ये पी एस एल का गाना नहीं देंगे और किसी और सिंगर से जो है वो गाना तैयार करवाएंगे कोई और सिंगर जो है वो गाएगा ये गाना और मुख्तलिफ नामों पर गौर भी शुरू कर दिया गया है और ये नजम सेठी ने फैसला क्यों किया क्योंकि नजम सेठी पहले ही शदीद तनकीद की ज़द में है आके वो अपने करीबी दोस्तों को जो माजी में उनके दोस्त है उनको वापिस पी सी बी में ले आए हैं वापिस जो है वो उनको होते दे दी है तो मजीद वो जो है वो तनकीद की जाद में नहीं आना चाहते है तो उस वजह से नजम सेठी ने मफादात के टकराव से बचने के लिए ये एक दाम उठाया है और नजम सेठी का ये कहना है कि कल जो उसकी उनके जो नाकदीन है अब वो इस बात को ना उठाए इस बात को इशू ना बनाए इन्होंने अपने बेटे को जो है वो नवाजा है और उनको उनको जो है पी एस एल का गाना दिया है बिला शुबा वो अच्छे सिंगर है आ, लेकिन नजम सेठी का ये फैसला उन्होंने इसलिए किया क्योंकि वो नहीं चाहते कि की मजीद तनकीद की जाद में रहे इससे पहले भी एक खबर जो है वो फ्लॉट की थी आ, नजम सेठी ने यह डिसीजन लिया है की जो पी एस एल अब कराची और लाहौर में होगा लेकिन उसके बाद में खुद ही उनकी जानब से तरदीद की गई है की रबिश है ऐसा कोई फैसला नहीं है पी एस एल के मैचेज तमाम के तमाम जो है वो चार शहरों में होंगे जिसमें लाहौर कराची इस्लामाबाद और रावलपिंडी शामिल है आ तो अभी जो नजम सेठी की जानब से एक अहम फैसला किया गया है की अली सेठी को पी एस एल का जो एंथम है पी एस एल एट का एंथम है आ वो नहीं दिया जाएगा उनसे रहा कर लिया गया था मीज राजा की जानब से तमाम मामला तय पा गए थे लेकिन अब आ नजम सेठी ने वो मुआदा खत्म कर दिया है ताकि उनको जो है वो तनकीद ना की जा सके तो आप ये क्या कहेंगे इस बारे में अली सेठी के बारे में आप क्या कहेंगे और खासतौर पर यह फैसला नजम सेठी का इस हवाले से आपकी क्या राय है कि क्या उनको कॉन्ट्रैक्ट अपने बेटे को ये का एंथम दे देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था और नजम सेठी बतौर चेयरमैन कैसे हैं तो लाजमी हमें अपनी कीमती राय से नीचे कमेंट दे के उसे आगाह कीजिएगा तो हम आपकी कीमती राय का जो है वो हर वक्त इंतजार करते रहते हैं और जो इंप्रूवमेंट हमारे चैनल में आप देखना चाहते हैं हमें लाजमी इससे आगाह करें शुक्रिया